आज मैं बॉडी के लिए एक स्किन ब्राइटनिंग लाइटनिंग बॉडी पैक लेके आई हूँ दोस्तों। ये स्क्रब कम बॉडी पैक है जो आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट करेगा, ब्राइट करेगा। इसे आप अपनी फेस पे छोड़ के आप अपनी पूरी बॉडी में से अप्लाई कर सकते हो। 110% ये रिजल्ट आपको देगा। बस आपको 1 वीक इसे जरूर ट्राई करना है, जरूर फॉलो करना है। पहले आपको पहले या दूसरे दिन में ही इसके काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो 7 दिन तक तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो देखते हैं इस बॉडी पैक को आपको बनाना कैसे है। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच के करीबन बेसन। आप पूरी बॉडी के लिए बना रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच के करीबन आप बेसन ले सकते हैं। बेसन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, क्लिंजर है, जो आपकी स्किन के डेड सेल्स को दूर करेगा, जितना भी ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमें चाहिए 1 चम्मच के करीबन चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ही अच्छा निखार स्किन में लेके आता है। साथ ही साथ चावल का आटा आपके स्किन के लिए एक बहुत अच्छा स्क्रबर का काम भी करता है। तो 1 चम्मच मैंने लिया यहाँ पे चावल का आटा। उसके बाद लेनी है आपको दोस्तों चीनी। चीनी एक बहुत अच्छा स्क्रबर होती है, एक्सफोलिएशन का काम करती है, आपकी स्किन जितना भी ब्लैकनेस होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। तो 1 चम्मच मैंने ले ली है चीनी। उसके बाद हम लेंगे हल्दी। हल्दी हमें यहाँ पे कस्तूरी हल्दी लेनी है या किचन हल्दी हमें नहीं लेनी है यहाँ पे। हल्दी आपको पता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज इसमें होती है, स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करती है। पुराने समय से हल्दी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, इसलिए पहले के जो लोग थे, राजा रानी या नॉर्मल लोग भी रहे थे, वो हल्दी का यूज़ करते थे अपने स्किन के लिए, बॉडी के लिए। और आज भी ब्राइड को शादी से पहले जो उबटन लगाया जाता है उसमें हल्दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमें चाहिए इसमें दोस्तों गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ग्लाइकोलिक एसिड इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ यह आपकी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्क्रबर का काम करता है अच्छा सा। तो 1 चम्मच आपको लेना है गेहूं का आटा। तो इस पाउडर को आप अच्छे से बना के स्टोर करके रख सकते हो। आपको बस इसको 1 वीक करना है। 1 वीक आप इस चैलेंज को लेके चलिए। 1 हफ्ते पहले ये पाउडर किसी भी बॉक्स में बना के रख लीजिए। जब आप 1 हफ्ते इसको बना के रख लें किसी भी कंटेनर में, आपको क्या करना है, कम से कम जितनी आपको अगर पूरी बॉडी में यूज़ करना है उस हिसाब से आप 3 से 4 चम्मच इसके ले लीजिए। उसके बाद आप ऐड करेंगे आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल। आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ऑयल लेना है। ऑयल क्या करेगा, जितनी भी अगर आपकी स्किन जो ड्राइनेस होती है उसको दूर करने में हेल्प करेगा ऑयल, और शाइन आपकी बॉडी में लेके आएगा। तो ऑयल हमने ले लिया है 1 चम्मच के करीबन। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच के करीबन लेमन जूस। लेमन जूस हमारे स्किन के डेड सेल्स को दूर करता है, स्किन में शाइन चमक लेके आता है, फाइन लाइन्स अगर हमारी बॉडी में धीरे धीरे झुर्रियाँ आती हैं, हाथ पाँव में झुर्रियाँ आने लगती हैं, उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अच्छे से इसको मैं खाली कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेमन जूस और ऐड करूँगी। और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और ऐड करूँगी इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये उपटन सा बनाना है आपको। बस आपको ऑयल और लेमन ही इसमें ऐड करना है, पानी वगैरह आपको इसमें नहीं मिलाना है बिल्कुल भी। अगर ये थोड़ा थिक होगा तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल या लेमन ऐड कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा ऑयल, ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा लेमन और ऐड करेंगे आप। तो ये पैक बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आपको कैसे करना है, अपनी बॉडी को पहले आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और क्लीन करने के बाद अगर दोस्तों, हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया बिना बॉडी वॉश के मेरा काम नहीं चलता, तो आप इसमें थोड़ा सा बॉडी वॉश भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आप बॉडी वॉश की ऐड करेंगे, ये आपकी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करेगी। ये बिल्कुल मतलब आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। तो पहले अपनी बॉडी को हमेशा क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आपको इस लेप को अप्लाई करना है। लेप अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से मसाज करनी है, अच्छे से स्क्रब करना है मिनिमम 5 मिनट अपनी पूरी बॉडी पे। स्क्रब करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आप
अगर लेप बचता है तो एक लेयर इसकी लगा लीजिए अपने पूरी बॉडी पे। अगर आप ये वाला जो सेकंड स्टेप है इसको फॉलो करना चाहते हो, अगर आपको लगता है मैं अपनी बॉडी पे फेस पैक या सॉरी पैक कोई भी पैक अप्लाई करके रख सकती हूँ, तो आप कम से कम आप इसे 10 मिनट तक अपनी बॉडी पे ऐसे ही छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप अपनी बॉडी को क्लीन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लीन करके बता रही हूँ। तो आपको क्लीन कैसे करना है, थोड़ा सा आपको पानी लेना है, पानी लेके फिर से आपको हल्के हल्के इस तरीके से स्क्रब करना है। नहीं तो अगर आप इसे पैक के तौर पे लगाएंगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट ये आपको देगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम स्क्रब करेंगे इसे दोबारा, और उसके बाद आप अपने बॉडी को क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दोस्तों इस पैक के मिलेंगे। ये आप 1 वीक करके देखिए, 1 हफ्ते का चैलेंज आप लेके चलिए, इससे आपकी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, साथ ही साथ जितनी भी ड्राइनेस थी आपकी बॉडी की वो सारी हट जाएगी। आपको 1 हफ्ते तक इसको डेली करना है, डेली मतलब आप जब नहाने जाएं तो इस पैक को इस तरीके से लगा के रखिए। उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद मेरा हाथ देख सकते हैं कितना, ये कितना डल लग रहा है और ये कितना फ्रेश एंड ब्राइट लग रहा है। इसी तरीके से आपकी स्किन भी फ्रेश एंड ब्राइट हो जाएगी दोस्तों इस रेमेडी से। तो आप इस रेमेडी को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आएगी तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।